राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज 60 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का 44th डे और टाइम हो गया इवनिंग वर्कआउट का। मैं चल दिया हूँ जिम के लिए। आज इवनिंग में हम करेंगे बैक का वर्कआउट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेट पुल डाउन बिहाइंड द नेक्स। इसकी मैंने 3 सेट करे 12 से 15 रेपिटेशन के। सेकेंड एक्सरसाइज मैंने करा बेंट ओवर केबल रोइंग के 3 सेट, रेपिटेशन रेंज होगी 12 से 15। थर्ड एक्सरसाइज मैंने करा क्लोज ग्रिप रोइंग के 3 सेट, रेपिटेशन रेंज होगी 10 से 12। फोर्थ एक्सरसाइज में मैंने करा सिंगल आर्म रोइंग के 3 सेट, रेपिटेशन रेंज होगी 12 से 15। फिफ्थ एक्सरसाइज मैंने करा सीटेड रोप केबल पुल के 3 सेट, 10 से 12 रेपिटेशंस के। और लास्ट में मैंने करा वाइड ग्रिप केबल बैक पुल ओवर के 4 सेट, 10 से 12 रेपिटेशंस के। और फिर घर आके मैंने काटी अपनी ग्रीन वेजीज, 100 ग्राम पनीर, और ये रहा हमारा आज का डिनर, 100 ग्राम पनीर एंड ग्रीन वेजीज। और आज हमने रामायण में पढ़ा मंथरा दासी ने माता कैकेयी को अपनी कपटी भरी बातों में फंसा कर उन्हें विश्वास दिला दिया अगर श्री राम जी को युवराज पद मिल गया तो भरत जी और तुम्हारी बहुत ही बुरी दशा होगी। और माता कैकेयी को अपनी दासी मंथरा की बातों पर विश्वास भी हो गया क्योंकि वो देवताओं की माया के वश में थी। जो होनहार होती है वो होके रहेगी, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। बस कुछ लोग बुरे बन जाते हैं और कुछ लोग उसके कारण भले बन जाते हैं। बोलो जय श्री राम।